नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में युवा एकता परिषद के नव नियुक्त प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन को विस्तार देने के लिए जिले भर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने, संगठन के रीति नीति व सिद्धांतों की जानकारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या ने कहा कि युवाओं को जागरूक कर संगठन से जोड़े। हर युवा कार्यकर्ता खुद गांव-गांव जाकर युवाओं से सीधे संपर्क करे और संगठन की सदस्यता दिलाकर संगठन को मजबूत करे, तभी संगठन का महाअभियान सही मायने में सफल हो सकेगा। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि संगठन का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संगठन के इस महाअभियान में अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति लगा देगा। समाज के हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, व्यापारी, उद्योगपति, विद्यार्थी, युवाओं एवं मातृशक्ति को भी अधिक से अधिक संगठन का सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चलें, निश्चित रूप से संगठन के इस लक्ष्य को सफलता मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सुनो समय की बोली को, ऐ भारत माते बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती हो लूट रहा पर दूर करो उस चोरी को, और फिर से कभी न चलने देना, फिर से कभी न चलने देना द्वेष भाव की होली को, और चंद्रशेखर को जो ठेल गई थी, याद करो उस होली को, याद करो उस होली को। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।